Hi guys, this is Arya, your host. अब मैं आज आया हूँ रियल जायका की तरफ से आपको रियल जायका मतलब रियल टेस्ट करवाने यार. आज हम आए हैं यादव ऑमलेट पे जो कि एक ढाबा है अंडे के लिए, मतलब एग ढाबा बोल सकते हो आप, एग रेस्टोरेंट बोल सकते हो, एग कैफे बोल सकते हो, आपको जो बोलना हो. लेकिन आप बोलोगे लाजवाब है, बेहतरीन है, अमेजिंग है, ये चीज़ आप ज़रूर बोलोगे यहाँ पे आके आइटम ट्राई करने के बाद. सो चलिए एक बार जाते हैं यहाँ के ओनर से विजिट करते हैं, उनसे मुलाकात लेते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, थोड़ी अच्छी अच्छी आइटम्स ट्राई करते हैं. आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि यादव जो एग सेंटर है वो सूरत का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग एग सर्विंग प्लेस है. सो अगर आप नहीं आए अभी तक यहाँ पे तो ज़रूर से आइए. बराबर है, आइटम्स क्या क्या है हमारे पास चलिए देखते हैं. सो हाय गाइस, अभी हम राधे भैया के साथ हैं जो कि यादव ऑमलेट के करता धरता है. सो चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत हुई, अभी कैसा है, लोगों में कौन सी चीज़ें बहुत ही हॉट फेवरेट है लोगों की. सो बताइए. एकदम बढ़िया. यादव ऑमलेट का शुरुआत बॉस समथिंग 25 साल पहले हुआ था. ठीक है, और 10 साल से तो मैं देखा हूँ, 10 साल से मैं कर रहा हूँ. 25 साल पहले मेरे बाबू जी हैं वो करते थे, और समथिंग एक बिग बाज़ार है अपना डूमस रोड पे, किस वक्त का एक बिग बाज़ार है. वो बिग बाज़ार नहीं था उस समय, वहाँ पे एक होटल था, ढाबा था, वहाँ पे लारी चल, मेरा लारी चलता था वहाँ पे छोटा सा. ठीक है, 20 साल पहले छोटा लारी चलता था. बाद में वहाँ से अपना वैलेंटाइन के बाजू में एक छोटा लारी चलता था. ठीक है, अभी हाल में 2-3 साल से मेरा ढाबा चल रहा है जो अपने वैलेंटाइन के पीछे पार्किंग में. ठीक है, पार्किंग पे ढाबा चल रहा है हमारा, और बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित है, बढ़िया है. और 20 साल से व्यवस्थित ही था, पिताजी ने शुरुआत किया था, हमने संभाला है. और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पिछली ये जो जर्नी रही आपकी, तो शुरू में कैसी कैसी आइटम्स मिलती थी, फिर रिवॉल्यूशन क्या है? बहुत खीमा था, गुडाला था, गुर्जी था, ये सब थे बहुत, मतलब 20 साल पहले की बात करूँ. हाँ. और कुछ था ही नहीं, कोई ऐसा आइटम नहीं था जो अभी जैसे कि VIP आइटम है, ऐसे नहीं थे पहले. अब भी बहुत सारे आइटम है, समथिंग 200 आइटम है मेरे पास. मेनू में 70-80 होंगे, तो 70-80 मेरे माइंड में है जो मैं बनाता हूँ, क्रिएशन करता हूँ. और अभी लोगों में कौन सी आइटम है यहाँ? लोगों का समथिंग मेरे पास 2-3 आइटम अभी नया निकाला हूँ मैं, जो कि अपना 3 इडियट करके हो गया, और एक कबाब है, और एक अपना ही स्पेशल है समथिंग. Okay. यादव बोल सके, यादव एक स्पेशल तो है ही, यादव स्पेशल 2 बोल सके उसको. ठीक है ना, एकदम सीक्रेट चीज़ है गाइस. सूरत देखो, सूरत एग्स के लिए तो फेमस है ही, लेकिन अगर सूरत में बेस्ट एग्स खाने हैं तो यादव ऑमलेट है. क्योंकि मैं आज से लाइक मैं पिछले 3 साल से तो मिनिमम यहाँ पे आ रहा हूँ, 3-4 साल से, तो हम कभी आके ऐसा नहीं बोलते कि भैया आज हमें ये खाना है. हम बोलते हैं कि यादव भैया आप अपने हिसाब से बना दो. हम हर बार अलग ही चीज़ खाते हैं, और हर बार एक से ऊपर एक ही होती है. सो एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए, मैं एड्रेस मेंशन करवा देता हूँ. देखो सो हाय गाइस, देख के आपका भी ऐसा फील आ रहा होगा ना कि क्या है ये डिश. ये है यादव स्पेशल पार्ट 1. इतना सक्सेसफुल हुआ, ऐसे जैसे वो होता है ना दबंग हो गया, ऐसे फ्रेंचाइज हो गई, सीरीज होती है, वैसे ही हमारे स्पेशल डिश की भी पार्ट 2 है. तो ये उसका पार्ट 2 है. सो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर चीज़ है, बटर है, क्रीम है, ऑफकोर्स एग्स है हमारे, बहुत सारे बॉइल्ड है, स्क्रैम्बल्ड है, सब चीज़ें इसके अंदर है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहले टेस्ट करते, फिर आपको बताते हैं कैसे. बहुत ही अमेजिंग है, बहुत स्पाइसी नहीं है, बहुत फ्लैट नहीं है, तो एक बैलेंसिंग जो टेस्ट होता है वो है. ऐसा ओवरवेलमिंग नहीं हो जाएगा कि आपने एक बाइट लिया है, आपने थोड़ा खा लिया तो आपको लगेगा कि नहीं भाई एसिडिटी है या फिर बहुत ज़्यादा है.
देख बहुत ह्यूज रहा है, टेस्टी भी इतना ही है। सो एक और बाइट लेते हैं। जी आप देख सकते हैं ग्रेवी, हर चीज़ है इसके अंदर, बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपको एग्स खाने हो, आपको कहाना है यादव होंगे, और क्या ऑर्डर करना है यादव स्पेशल पार्ट टू। सो और भी इसके बाद एक और आइटम हम ट्राई करने वाले, तब तक के लिए उसको थोड़ा और चखते हैं और उसको फिर मैं फाइनल उसका रिव्यू देता हूँ आपको, है कि नहीं। तो हाय गाइस, पहले डिश बहुत ही अमेजिंग थी यादव स्पेशल पार्ट टू, और हमने खाई जैसे जैसे करके इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी। लेकिन मुझे और एक चीज़ ट्राई करनी थी, तो मैंने मेरी टीम ने ख़त्म तो कर दी, लेकिन अभी हमारे पास है एक अलग एक एक्स्ट्रा स्पेशल डिश जिसका नाम है एग कातरा। सो कैसी है डिश, क्या है, चलिए ट्राई करते हैं। और यहाँ पर रोटी भी मिलती है, कितनी जगह पर नहीं मिलती इसलिए बता रहा हूँ, और मुझे प्रेफरेबल ज़्यादा रहती है रोटी। रोटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक से चीज़ को टेस्ट कर पाता हूँ और अच्छी खा पाता हूँ, ज़्यादा खा पाता हूँ, तो खाना तो मेरा शौक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसके अंदर है चीज़, हमारे एग्स, एग जो इसके अंदर जो यॉक नहीं है उसके अंदर, आई गेस ये जो है बॉइल्ड एग्स ही है, वाइट ही एग है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर चीज़ है, लेकिन चीज़ इतना भी नहीं है कि आपको सिर्फ चीज़ का टेस्ट है, आपको एग्स का टेस्ट आएगा, आपको जो करी उसका टेस्ट आएगा। और अगेन एक ऐसी डिश है कि जो हर कोई प्रेफर कर सकता है, ना ही ज़्यादा स्पाइसी है ना ही ज़्यादा डल है, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अब थोड़ी स्पाइसी है पर उसी का तो मज़ा है कि नहीं। चलिए मैं तो खा रहा हूँ, आप यहाँ पे कब खाने आ रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद, नहीं बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो मेक श्योर यू गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियल जायका। और हाँ, यादव स्पेशल आमलेट में आइए, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए फूड के लिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए फूड और फन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई फूड आइटम्स के साथ, तब तक के लिए मैं मज़े करूँगा, आप भी मज़े कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ योर होस्ट आर्य बारोट, थैंक यू।